इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाली T60 AM टेबलेट्स के बारे में। T60 AM टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों को यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या अग्रीडियम बिल्कुल से कम्पोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोजन कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, वे टेबलेट्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, वे टेबलेट्स का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, तो T60 AM टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया, फिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं T60 AM टेबलेट, जो कि हमारे पास 15 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी MRP की बात की तो इसकी MRP 242 यानी कि 242 रुपये के करीब इसकी MRP है। T60 AM टेबलेट्स को एलकम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। T60 AM टेबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है टेलमिसार्टन एंड एम्लोडिपिन टेबलेट्स IP बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि T60 AM टेबलेट्स के अंदर जो इंग्रीडियंट्स डाले गए उसके पावर ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो इसके अंदर जो टेलमिसार्टन है वो 40 mg प्लस एम्लोडिपिन 5 mg इसके अंदर डाले गए हैं। T60 AM टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेबलेट्स ट्रीटमेंट करती है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेबलेट्स को यूज़ करने से आपको हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक होने का जोखिम कम हो जाएगा। T60 AM टेबलेट्स का डोज और ड्यूरेशन की बात करें, उसका डोज और ड्यूरेशन आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है, और उसका डोज और ड्यूरेशन अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप उसको कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल किया जा रही है, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करिए, कंटिन्यू बेस पे इसका सेवन किया जा रही है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि टेबलेट्स को अगर आप ओवरडोज लेते हो तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको हेडेक आ सकता है, या फिर आपको चक्कर आना, थकान आना, पेट खराब होना, या फिर आपकी हार्ट की धड़कन कुछ बढ़ जाना, या फिर स्लीपिंग वगैरह आना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो T60 AM टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। T60 AM टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क T60 AM टेबलेट्स। T60 AM टेबलेट्स के अंदर दो दवाई देती है, यानी कि टेलमिसार्टन और एम्लोडिपिन। टेलमिसार्टन एक एंजियोटेंसन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि ARB है, और एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि CCB है। वे ब्लड वेसल्स को आराम देकर और पूरे शरीर में खून के पंप को करने और हार्ट को अधिक कुशल बनाकर काम करते हैं, साथ में वे ब्लड प्रेशर को प्रभावी ढंग से कम करते हैं। T60 AM टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन से फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से T60 AM टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो T60 AM टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट तो हमारी कमेंट सेक्शन बताइए, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताइए। T60 AM टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।